हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, कि व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दूसरा हम जानते हैं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल और व्हाट एवर इज रनिंग ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज और हाउ इट इज बेटर। साथ में हम देखते हैं कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं एंड व्हाट आर द चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसके लिए हम देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि NEP मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है और इसमें क्या क्या हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा जो है 1968 में इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उससे पहले ब्रिटिशर्स की एजुकेशन पॉलिसी चलती थी जो कि डीएस कोठारी जी ने दी थी। इसके बाद 1986 में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई जो कि हमारे फॉर्मर एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी जी ने दी थी। और 1992 में इस पॉलिसी का जो सेकंड पॉलिसी थी इसका रिवीजन हुआ था बाय डॉक्टर यशपाल कमेटी। और साथ में हम क्या देखते हैं, इनके बाद एक और राधा कृष्णन कमेटी ने अपने कुछ सजेशंस दिए और उन्होंने क्या कहा था, उनके तीन सजेशंस जो है बाकी सारे सजेशंस में ज्यादा माने जाते हैं। उसमें फर्स्ट ये है कि देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन, क्योंकि अब तक ये जितनी एजुकेशन पॉलिसीज आती थी ये सब हायर एजुकेशन को फोकस करती थी लेकिन इनमें स्कूल एजुकेशन मिसिंग रहता था। तो उन्होंने कहा कि सेकेंड, विदाउट इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन यू कांट इम्प्रूव हायर एजुकेशन। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ सिनर्जी बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, और जो PhD कर रहे हैं स्कॉलर्स दे शुड स्पेंड लिटिल टाइम इन द स्कूल सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि जो भी वो रिसर्च करने जा रहे हैं हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स और हाउ दे विल गेट इट लर्न एंड दे कैन डिस्कस देयर प्रोजेक्ट विद टीचर्स एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ देयर PhD इन सोसाइटी, वेदर इट विल बी सिग्निफिकेंट और नॉट। ये सब चीजें वो स्कूल के बच्चों से और टीचर्स के साथ बात किए बिना अगर वो रिसर्च करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाती है। तो इसमें जो सबसे एक पॉइंट दिया देखा गया कि ये दी किसने दी, ये आपकी दी गई है जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है ये दी गई है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो कि हमारे इसरो के फॉर्मर हेड है, उनकी प्रेसिडेंटशिप में ये चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनी और इन्होंने ये दी। इसका जो ड्राफ्ट है वो तो 31 मई 2019 में ही आ गया था लेकिन इसको June 2020 में क्या किया गया, इम्प्लीमेंट पूरी तरह से करने के लिए पास कर दिया गया कि यस इट इज करेक्ट। और यहाँ अगर हम ध्यान दें तो ये कोई पॉलिसी नहीं है, अभी तक जितनी भी पॉलिसीज आती थी उसमें सिर्फ पॉलिसी या उसको डिस्कस किया जाता था कि व्हाट आर ड्रॉबैक्स हाउ कैन वी इम्प्रूव, लेकिन इसमें एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये एक फॉर्मूला है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है इसके अंदर कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट होता था एजुकेशन का या जो बेस होता था वो क्या होता था, मेमोराइज द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स है चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट्स है चाहे वो कमर्शियल फैक्ट्स हैं चाहे वो आपके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, आप उनको मेमोराइज्ड करो बाय हुक और क्रूक और एग्जाम में जाके यू हैव टू वॉमिट। हाउ मच यू हैव मेमोराइज्ड यू हैव टू वॉमिट। अगर आपने मेमोराइज्ड अच्छा किया और वहां जाके वॉमिट नहीं किया यानी कि लिखा नहीं आपने तो आपको नंबर नहीं मिलते थे। अब जो इसमें चेंज लाने के लिए बात की गई है वो इस कॉन्सेप्ट से हटके अब आया कि आप कॉन्सेप्ट को पहले समझो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो, देन रिटेंशन, आप उसको रिटेन करो और आप उसको रिटेन करने के बाद इम्प्लीमेंट करो इन योर डे टू डे लाइफ। तो ये इसका एक बेसिक जो है ना पैराडिज्म है हम कह सकते हैं।
पूरा फोकस इस चीज पे किया गया है कि यानी कि चेंज कर दिया है, मेमोराइज्ड वॉमिट से हटा के कर दिया है कंसेप्ट रिटेंशन पे। अब हम देखें कि ये क्यों दी गई है, इसमें ऐसा क्या है कि इसका जो पूरा बेस बनाया गया, नए तरीके से स्ट्रक्चर किया गया, उसके पीछे इनका टारगेट क्या था, फोकस क्या था। इनका टारगेट था कि एक तो सब्सटेंशियल लाइवलीहुड जो है, जो हम इंडिया के सिटीजन्स हैं जितने भी, चाहे वो कोई भी है, उसका जो लाइवलीहुड है वो थोड़ा सा सब्सटेंशियली इम्प्रूव हो, और दूसरा जो हमारी कंट्री है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो। तो कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली तभी डेवलप हो पाएगी जब उसके सिटीजन्स भी क्या होंगे, अच्छे से उनके लाइवलीहुड अच्छा होगा। और इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा कि नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन, कि हमारी अपनी कंट्री में नॉलेज का क्रिएशन होगा, हम किसी और कंट्री से नॉलेज नहीं लेने वाले हैं और हम अपने आप इनोवेशन करेंगे। तो हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे विल डू इनोवेशन। सेकेंड, इनसे होगा क्या कि जो हमारा नेशन है दैट विल बी कॉल्ड स्किल्ड नेशन। हमारा पूरा जब सिटीजन्स स्किल्ड होंगे, वो खुद क्रिएशन करेंगे, खुद इनोवेशन करेंगे, तो हमारी कंट्री भी क्या होगी, स्किल्ड नेशन होगी। और इट इज ऑलवेज सेड कि जो स्किल्ड नेशन है, इट कैन फाइंड आउट सॉल्यूशंस ऑफ इट्स ओन प्रॉब्लम, यानी कि वो अपनी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमारे यहाँ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो हम अगर स्किल्ड है तो हम समहाउ अपने अपने घर से जो पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो हम सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो हम नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, इफ वी आर स्किल्ड तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बट इफ वी आर नॉट स्किल्ड देन वी हैव टू डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलप्ड नेशन, हमें उनसे वो टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैंने सिर्फ पॉल्यूशन की बात की, इसके अलावा भी हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ और इतना लाइवलीहुड को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम्स को वी कैन सॉल्व आउट अवर सेल्फ इफ वी आर स्किल्ड। इन दिस स्लाइड वी विल सी हाउ आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेटर देन आवर ट्रेडिशनल और रनिंग एजुकेशन पॉलिसी। तो हम इसमें करंट और कमिंग एजुकेशन पॉलिसीज को कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग मेथड्स। लर्निंग मेथड्स की बात करें तो हमारी करंट एजुकेशन पॉलिसी में जो ज्यादा एम्फेसिस है वो है रोट लर्निंग पे, कि आप सिर्फ रट्टा करो और उसको कैसे भी करके लर्न करो। और उसके बाद दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ड्राई थ्योरीज को ही रटवाते हैं, ड्राई थ्योरीज को ही सिखाते हैं कि बस उसको आप किसी भी तरीके से क्रैम कर लीजिए। लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें उस जो एक्चुअली पॉलिसी नहीं, एक फॉर्मूला है, उसके अंदर एम्फेसिस दिया गया है कि आप इंक्वायरी बेस्ड आप उसको पढ़ाइए, कि कोई भी थ्योरी है उसको एज सच मत पढ़ाइए, आप उसको कोई इंक्वायरी, आप उसको कोई एग्जाम्पल, कोई उसको कोई एक्टिविटी दीजिए, उसमें से वो खुद जनरेट करे कि यस, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, और अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से आप उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाइए, लर्निंग से उसको थ्योरी सिखाइए। नेक्स्ट, बेस्ट इन क्लास प्रैक्टिस, कि और उसकी प्रैक्टिस आप उसको जो भी बेस्ट प्रोसीजर है उसको आपके हिसाब से, फैकल्टी के हिसाब से, स्टूडेंट की लिमिटेशंस के हिसाब से आप उसी की प्रैक्टिस क्लास में करिए। नेक्स्ट हम बात करें एकेडमिक करिकुलम की। तो अभी जो करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है या वो हायर एजुकेशन है, वो आउटडेटेड है, उसका प्रेजेंट सिनेरियो में जो सिग्निफिकेंट या यूटिलिटी है वो बहुत ही कम है, और उसमें सॉफ्ट स्किल का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स है, हम सिर्फ थ्योरी 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 ही पढ़ाते हैं। अभी भी हमारा चौक डस्टर पे काम चलता है और स्टूडेंट जो है वो पेन पेपर से ही काम चलाता है। लेकिन जो करंट अब आने वाली है हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें अलाइंड विद इंडस्ट्री, जो हमारा करिकुलम होगा वो इंडस्ट्री से अलाइंड होगा, कि हमारी इंडस्ट्री को क्या चाहिए, आज हमें कौन सी
प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है तो हमें उसकी पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए, और दूसरा इंटीग्रेटेड सॉफ्ट स्किल्स इन करिकुलम, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स का है या वो साइंस का है। पहले तो उन्होंने इनका डिवीजन ही खत्म कर दिया जो हम आगे देखने वाले हैं। मीन्स एवरीवन शुड नो सॉफ्ट स्किल्स कि आपने कोई भी कंप्यूटर पे काम करना है, किसी एप्लीकेशन पे किसी टूल को आपने काम में लेना है, तो यू शुड नो कि आप कैसे सॉफ्ट स्किल्स को काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने सॉफ्ट स्किल का इन्वॉल्वमेंट सिक्स क्लास से ही कर दिया है। और थर्ड हम देखें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो हम एजुकेशन आज पढ़ा रहे हैं वो हमारे क्वालिटी क्या है, क्या वो फॉरेन में भी या इंटरनेशनली भी उसकी कोई क्वालिटी है, उसका कोई रैंक है। तो हम देखते हैं कि लैक ऑफ क्वालिटी है, हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो आज इंटरनेशनली और नेशनली उसकी क्वालिटी काफी डाउन है। और हम बात करें सिस्टम और करिकुलम की, जिस सिस्टम से हम पढ़ाते हैं, जो हमारा ये पूरा सिस्टम है, पहले स्कूल में फिर कॉलेज में और कॉलेज का भी जो भी प्रोसीजर है और इवन रिसर्च तक का, और जो करिकुलम हम पढ़ाते हैं उसकी कोई क्वालिटी इंटरनेशनली और नेशनली अच्छी नहीं है, उसकी कोई रैंक अच्छी नहीं है। और हम बात करें जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें हम इंस्टिल क्वालिटी का प्रोविजन है, यानी कि टाइम के साथ साथ यू हैव टू इम्प्रूव कि जो भी अब नई डिमांड आ रही है मार्केट में, अकॉर्डिंगली यू हैव टू इम्प्रूव योर करिकुलम, यू हैव टू चेंज योर करिकुलम। इसी तरीके से आपको सिस्टम भी चेंज करना होगा कि आज हो सकता है कि लैपटॉप पे आप पढ़ा रहे हैं, कल किसी और एप्लीकेशन की जरूरत पड़े तो आपको वो एप्लीकेशन भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी होगी। तो इसके अंदर हम इस तरह से डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट इज फैकल्टी नॉलेज। हमारे यहाँ जब किसी फैकल्टी की एक बार जॉब लग जाती है उसके बाद उसका वही प्रोसेस स्टॉप हो जाता है फर्दर लर्निंग का। बहुत ही कम फैकल्टी मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अपनी नॉलेज को थ्रू आउट देयर करियर इम्प्रूव करते हैं, अदरवाइज वो एक पुलिस वाले की तरह, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है कि आपने ऐसे हाथ दिया तो इधर का ट्रैफिक चलेगा, ऐसे हाथ दिया तो इधर का ट्रैफिक चलेगा, और अगर ऐसे कर दिया तो वहां का ट्रैफिक रुक जाएगा, बस उससे आगे उसको कुछ नहीं पता होता। लाइकवाइज हमारी जो करंट अभी एजुकेशन है उसमें हम बस इतना ही कहते हैं कि हम दो में दो जोड़ेंगे तो चार आएगा, और चार में से दो माइनस करेंगे तो दो आ जाएगा। तो इस तरीके की ही हम अभी तक एजुकेशन दे रहे हैं लाइक ट्रैफिक पुलिस, कि उसको उसमें अपना कोई ब्रेन यूज करना नहीं होता। लेकिन जो अब हम देखने हैं कि इसमें साथ में हम देखते हैं नो इंडस्ट्री एक्सपोजर, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को कोई इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं है कि उन्होंने अगर नायलॉन के सिंथेसिस के रिएक्शन क्लास में पढ़ाई है तो एक्चुअली नायलॉन कैसे सिंथेसाइज होता है, बल्क में होता है कि बैच में होता है, उनको इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होती। सिमिलरली हम अकाउंट्स सिखाते हैं लेकिन अकाउंट्स को एक्चुअली कैसे डील करना है इसकी नॉलेज स्टूडेंट को फैकल्टी को नहीं होती, वो सिर्फ अपने फॉर्मूलास पढ़ाते हैं। और ह्यूमैनिटीज में भी सेम चलता है, उनका इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है इसमें फैकल्टी हैज टू रिन्यू हिज नॉलेज, उसको अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम एवरी ईयर रिन्यू करना है, अपनी पुरानी नॉलेज को रिवाइज करना है, और उसमें इंडस्ट्री का एक्सपोजर कंपलसरी है कि आप जो पढ़ा रहे हो इंडस्ट्री में वो कैसे आपकी खपत होगी। आपने किसी स्टूडेंट को सपोज कोई भी एक कोर्स कराया, उस कोर्स को वो इंडस्ट्री में कैसे यूटिलाइज करेगा या इंडस्ट्री उस स्टूडेंट को कैसे यूटिलाइज करेगी, ये जरूर इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें ये स्टैटिक है, जो हमारी फैकल्टी की नॉलेज है वो स्टैटिक है, एक बार आ गई वहीं की वहीं रुक जाती है, लेकिन इसमें स्टैटिक नहीं रहने वाली है। इसमें एवरी ईयर यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू स्पेंड सर्टेन आवर्स फॉर योर इम्प्रूवमेंट, फॉर योर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में एवरी ईयर कुछ आवर्स अराउंड 50 आवर्स यू हैव टू स्पेंड, ओनली देन यू कैन कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर। इसके बाद इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, हमारे यहाँ स्कूल्स में इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन जो करंट एजुकेशन है सिस्टम इसमें बिल्कुल निल है। कोई भी इंडस्ट्री आके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करती और स्टूडेंट्स का भी इंडस्ट्री से एक्सपोजर जो है वो नहीं है। लेकिन हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में
एडवाइजरी बोर्ड में भी कि आप अगर किसी कोर्स को रन कर रही हैं तो उसके एडवाइजरी बोर्ड में भी इंडस्ट्री का होना, इंडस्ट्री पर्सन का होना मैंडेटरी है। दूसरा, एलुमनाई पार्टिसिपेशन। हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स एक बार पढ़ के चले जाते हैं वो शायद ही कभी अपने इंस्टीट्यूशन को दोबारा देखते हों, लेकिन अब उन्होंने एलुमनाई एसोसिएशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया है कि एलुमनाई जो है वो अपने एक्सपीरियंस से दे कैन कम एंड दे कैन शेयर कि अपने व्यूज को, अपने एक्सपीरियंस को वो कमिंग जनरेशन, कमिंग स्टूडेंट जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ जो भी हमारे आगे बोर्ड बनेगा, चाहे वो प्रिंसिपल के सिलेक्शन का बोर्ड है, उसमें भी एलुमनाई एसोसिएशन से एक बोर्ड मेंबर होना जरूरी होगा। तो एलुमनाई एसोसिएशन को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक काफी बड़ा स्पेस दिया गया और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है, ऐसा उन्होंने प्रपोजल दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लर्नर में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बात की गई है वो कौन कौन सी है, यानी कि ऐसा मानना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हेल्प से ही हम स्टूडेंट के अंदर या लर्नर में ये वैल्यूज को इनकल्केट कर सकते हैं, जैसे कि एथिक्स, कि अगर वो कोई रिसर्च वर्क कर रहा है तो वो उसका ओरिजिनल हो, कट पेस्ट ना हो, और ऑनेस्टी, कि वो ऑनेस्टली अपने वर्क को प्रेजेंट करे, उसमें कुछ हाइड ना करे, और जो वो क्लास में लर्न कर रहा है उसको भी ऑनेस्टली ही लर्न करे, और एट द टाइम ऑफ एग्जाम उसको ऑनेस्टी से ही अपना एग्जाम देना है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में उसको अपनी कंट्री के लिए उसको तैयार रहना है कि कैसे वो एजुकेशन जब वो अपनी कंट्री से ले रहा है तो उसको भी तैयार रहना है आगे सर्व करने के लिए, कि नाउ द पे बैक टाइम, कि आप अपनी कंट्री को सर्व करो, उसे रुपीस से ज्यादा, मतलब रुपीस में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सैलरी इन डॉलर्स, कि अगर उसको सैलरी रुपीस में मिल रही है तो उसे वो ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, उसकी अपनी कंट्री के लिए कोई इंटीग्रिटी होनी चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर एल्डरली, क्योंकि इसमें जब वो प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी करेगा तो देयर विल बी मेनी थिंग्स जो उसे अपने सीनियर्स से सीखनी होगी, तो उसे मजबूरी में अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट देनी होगी। कुछ चीजें उसे इंडस्ट्री से सीखनी होगी तो उसे वहां जाके अपने से एल्डरली पर्सन को रेस्पेक्ट देनी ही होगी, और कुछ चीजें वो मार्केट से सीखेंगे, कुछ चीजें वो घर से सीखेंगे, तो इसके लिए उन्हें एल्डरली पर्सन को रेस्पेक्ट देनी ही होगी। रेस्पेक्ट फॉर एनवायरमेंट, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो जो काम करने जा रहे हैं उसका उनके एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, अगर वो निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी से ये हमारा एनवायरमेंट इफेक्ट होता है, तो उसको उसके लिए भी एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए। कंपैशन फॉर अदर्स, क्लास में ऐसा नहीं कि मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ तो मेरे ही सबसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि असेसमेंट जो प्रोसीजर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें सिर्फ आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे, आपके कुलीग्स भी आपको मार्क्स देंगे, और आप अपने क्लासमेट्स को भी मार्क्स देंगे, तो असेसमेंट अगर आपको अपना अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव कंपैशन फॉर अदर्स, जो अपने क्लासमेट्स हैं उनके लिए आपको कंपैशन रखना ही होगा। एंड प्रैक्टिस फॉर नॉन वायलेंस, नेचुरली व्हेन यू हैव टू हैव कंपैशन फॉर योर क्लासमेट्स तो नॉन वायलेंस की तो कोई स्पेस ही नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ ट्रूथ, यू हैव टू प्रैक्टिस ट्रूथ, कि व्हाटएवर यू हैव लर्न यू हैव टू टेल अदर्स ऑल्सो, यू नीड नॉट टू हाइड एनी थिंग्स। नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, जब आप कोई एक डिफिकल्ट टास्क करते हैं, सपोज आपको एक 10 किलो से ज्यादा कोई भारी चीज जिसको आप नहीं उठा पा रहे, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है उसको उठाने की, आपका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, तो डेफिनेटली क्लास में आपको क्या करना पड़ेगा, अब उसमें दूसरे का कोलैबोरेशन लेना पड़ेगा। और अगर कोई आज आप किसी से ले रहे हो तो दूसरे को जब उसको जरूरत पड़ेगी तो आपको भी उसे कोऑपरेट करना होगा, तो इसलिए स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन ऐसा माना गया है कि इस पॉलिसी में जो हम करिकुलम पढ़ने वाले हैं उन
और जो हमारा प्रोसीजर रहेगा पढ़ाने का, उसकी हेल्प से लर्नर में ये वाली सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज उसमें इनकल्केट होंगी। गोल्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। गोल्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने तीन जो है ड्यूरेशन के हिसाब से गोल्स डिसाइड किए थे। इसमें फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड मिडिल टर्म गोल एंड थर्ड लॉन्ग टर्म गोल। तो ये इनका जो टारगेट था 21 तक अचीव करने का था, और जैसा कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी इट इज 2 ईयर लेट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो अभी इसका जो टारगेट है वो 25 तक चला गया है, और दूसरा जो मिडिल टर्म है उसका जो गोल था वो 2025 तक था, जो अब डेफिनेटली 25 से आगे जाने वाला है। और लॉन्ग टर्म गोल जिसका टारगेट था 2035 तक अचीव करने का, अब उसकी तरफ फोकस है कि हम उसे 35 तक कैसे गेन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थे उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अभी जो है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट किया गया है इसके अंदर, तो जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कैसे कोऑपरेशन होगा, कैसे उनमें इंटरेक्शन होगा, इसकी तरफ देखा गया है। जैसे कि सेल बायोलॉजी बॉटनी में भी पढ़ाई जाती है, और सेल बायोलॉजी जूलॉजी में भी पढ़ाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ाई जाती है। तो वो अब एक ही जगह पढ़ाई जाएगी, तो वही स्टूडेंट जो दो जगह अलग अलग बैठता था अब वो एक ही जगह बैठ के सेल बायोलॉजी पढ़ेगा। इसी तरीके से फिजिक्स और मैकेनिक्स, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल, और हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत सारा सेम है। तो वो उसमें भी डिपार्टमेंट्स के इंटरेक्शन से ही जो नया करिकुलम है वो बनेगा। इसके बाद करिकुलम के साथ साथ असेसमेंट, कि वो उसको असेस कैसे करना है। सपोज किसी का कोई कोर्स 60 क्रेडिट का है और उसने 50 क्रेडिट लिए, तो अब जो एम्प्लॉयर है, जो उस लर्नर को लेने वाला है, उसे कैसे पता चलेगा कि इसको 50 क्रेडिट में कितना आता है, थ्योरी आती है कि प्रैक्टिकल आता है। तो उसके अंदर ये उसको साफ असेसमेंट कर पाएगा कि उसको क्या आता है। ऑनलाइन और ब्लेंडेड, वही कोर्स ऑनलाइन भी होगा, ब्लेंडेड मोड में भी होगा, और साथ में ब्रिज कोर्सेज की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि कोई स्टूडेंट जो कि बिल्कुल ही 12th तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा और अब वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो उसको बेसिक कितना आना चाहिए कि वो अगर आगे फाइनल ईयर में आके केमिस्ट्री का एक कोर्स लेना चाहता है तो उसके बीच में उसको कुछ ब्रिज कोर्सेज तैयार होंगे। और प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ मदर टंग, नॉट ओनली इन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, रादर इन हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन तक मदर टंग को प्रमोट किया गया है इसमें, कि जो भी हमारी एजुकेशन है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ मदर टंग में भी होनी चाहिए। क्रेडिट रिकॉग्निशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई 60 क्रेडिट के कोर्स में 20 या 30 लेके पास हो रहा है, तो एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा, या स्टूडेंट को, स्टूडेंट के पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हमारे जो स्टूडेंट है, हमारा जो बच्चा है, उसको कितना आ चुका है, वो थ्योरी जानता है, प्रैक्टिकल जानता है, वो अब कितना काम कर सकता है, क्या उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट की लायबिलिटी दी जा सकती है या नहीं। तो इससे उसको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि कितने क्रेडिट के बराबर उसको कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर, अगर कोई एक साल कोई सब्जेक्ट पढ़ के कोर्स करके दूसरे साल दूसरा कोर्स करना चाहता है, तो उसके जो क्रेडिट हैं दे विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कोर्स टू अदर कोर्स। और बैंक ऑफ क्रेडिट, हर स्टूडेंट का, हर लर्नर का एक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, तो उसमें वो बार बार री एंट्री एंड री एग्जिट कर सकता है। अगर उसको कोई काम है या वो कोई जॉब कर रहा है या उसके सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे, तो उसके जो क्रेडिट अर्न है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, या तो 7 ईयर्स, या फिर उस कोर्स में जो मेंशन है कि इसके ये क्रेडिट 5 ईयर्स के लिए वैलिड है या 10 ईयर्स के लिए वैलिड है, तो उसके वो क्रेडिट उतने साल तक उस बैंक ऑफ क्रेडिट में वैलिड रहेंगे, और वो चाहे तो इस टाइम पीरियड में
यहाँ ध्यान देना, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, मेनी पीपल हैव दिस टाइप ऑफ कंफ्यूजन कि बैंक ऑफ क्रेडिट या री एंट्री री एग्जिट का मतलब है होल लाइफ, अगर उसने आज कुछ पढ़ लिया तो 40 साल बाद भी वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, नहीं, ये उस कोर्स में पहले से ही जब वो कोर्स को ऑप्ट कर रहा है उसमें इट विल बी मेंशन इन द बिगनिंग इटसेल्फ कि योर क्रेडिट्स विल बी वैलिड फॉर 7 ईयर्स और 8 ईयर्स और 5 ईयर्स, तो वो उस टाइम पीरियड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकता है, लेकिन होल लाइफ के लिए वो अर्न कर सकता है, होल लाइफ तक चाहे तो जितने मर्जी क्रेडिट वो अर्न करता जाए और जितने मर्जी कोर्सेज वो कर सकता है। साथ में इसमें वोकेशनल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन का इंटीग्रेशन किया गया है। अभी तक हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन जो लेके आते थे उनको व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिलती थी, जनरल एजुकेशन वालों को ही व्हाइट कॉलर जॉब्स मिलती थी और उनका जो सोसाइटी में स्टेटस भी होता था वो कुछ हायर लेवल का होता था इंस्टेड वोकेशनल का। चाहे वोकेशनल से जिसको जॉब मिली है वो ज्यादा अर्न कर रहा हो, इवन देन उसकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट, उसका स्टेटस जो है वो डिफरेंट होता था जनरल एजुकेशन के कंपैरिजन में। लेकिन अब जो वोकेशनल कोर्स करके आया ही विल आल्सो गेट ग्रेजुएशन डिग्री, और जो जनरल एजुकेशन करके आया ही विल आल्सो गेट ग्रेजुएशन डिग्री, और अगर वो दोनों का मिक्स करके आया तो भी, तो यानी कि कहीं ना कहीं इक्वलिटी लाने की कोशिश की गई है। इन द कैटेगरी ऑफ मिड टर्म गोल्स जिनको की 2025 तक अचीव करना था, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी डिलेड, और उसमें था इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल जनरल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर इन आवर हायर एजुकेशन सिस्टम बिकॉज आवर कंट्री इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री जहां मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर ओनली। दूसरा 4 ईयर बीएड को इंट्रोड्यूस करना, 4 ईयर बीएड को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे तरह की जो है मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, आने वाली स्लाइड्स में हम उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये उनका मिड टर्म में टारगेट है कि मिड टर्म में कम से कम 4 ईयर बीएड कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाने चाहिए और लॉन्ग टर्म तक वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। बीच में उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है इसको हम एक अलग स्लाइड में देखेंगे। दूसरा मदर टंग को हायर एजुकेशन में इतना ज्यादा इम्फेसिस दिया गया है कि एवरी कोर्स चाहे वो कोई सा भी कोर्स है वो क्या होना चाहिए, मदर टंग में भी होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट उसको मदर टंग में पढ़ना चाहता है उसमें कंफर्टेबल है तो वो मदर टंग में पढ़ सके, लेकिन साइड वाइज पैरेलली इफ अदर वन वांट्स इन इंग्लिश तो वो इंग्लिश में भी कर सकता है। तो इस तरीके से मदर टंग को एम्फेसिस दिया गया, हालांकि ये एक इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज बन के आने वाला है जो हम चैलेंजेस के अंदर देखेंगे। लॉन्ग टर्म गोल जो कि 2035 तक अचीव करने थे, अभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है या उनका प्लान है कि इसको समहाउ चाहे डिलेड हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लेकिन इसको अचीव कर दिया जाए। उसमें अचीवमेंट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज फ्रॉम मोनोडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, अभी तक जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अलग अलग एक एक सिंगल सिंगल डिसिप्लिन में पढ़ाई होती है, आर्ट्स के अलग, कॉमर्स के अलग और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स अलग पढ़ते हैं, लेकिन अब जो कोर्सेज और जो यूनिवर्सिटीज बनने वाली हैं वो मल्टीडिसिप्लिनरी होंगी, हर स्टूडेंट के लिए फिजिबल होगा मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज को ऑप्ट करना, और उनका टारगेट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक तालुका में क्या होना चाहिए, कम से कम एक मल्टीडिसिप्लिनरी बिग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। साथ में स्टेप वाइज ऑटोनॉमी, आप इसको अभी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये जो स्टेप वाइज ऑटोनॉमी है ये नॉट ओनली इन करिकुलम, नॉट ओनली इन सिस्टम डेवलपमेंट, नॉट ओनली इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बट फाइनेंशियली ऑल्सो। ये जो स्टेप वाइज ऑटोनॉमी है इसका भी एक बहुत बड़ा इश्यू बन के आ रहा है कि हाउ वी विल मैनेज द फंड्स, इसके लिए क्या प्रोविजन है, इसको हम चैलेंजेस में देखेंगे कि आप उसको एक एक स्टेप से, पहले आप उसको करिकुलम की ऑटोनॉमी देंगे कि आप अपने हिसाब से करिकुलम बनाइए, आप फिर उसको देंगे आप अपने हिसाब से सिस्टम तैयार करिए, अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए और अपने हिसाब से आप स्टूडेंट्स की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्रेडिट्स होने चाहिए, क्या कोर्स आउटकम होना चाहिए, आप उसको तैयार करिए, फिर ऑटोनॉमी की आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कि आप इसके
लिए फंड्स कहाँ से जनरेट करेंगे, हाउ मच गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू ग्रांट और हाउ मच यू हैव टू जनरेट योरसेल्फ, इसके ऊपर एक बहुत बड़े इश्यूज हैं। फोर ईयर बीएड कॉलेजेस एवरी डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे और साथ में एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी हर डिस्ट्रिक्ट में होगी और संस्कृत बेस्ड यूनिवर्सिटी। हमारे इसमें संस्कृत को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि हर यूनिवर्सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो संस्कृत में वो सारे कोर्सेज कराएगी, संस्कृत को एनकरेज करेगी, संस्कृत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा कोर्सेज में उनको पढ़ाया जाएगा, उनका ट्रांसलेशन किया जाएगा, तो आने वाले टाइम पे जो संस्कृत की फैकल्टी है उनकी तो डिमांड बढ़ने वाली है। Now we see new education policy for school teachers. So, इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा वन नेशन वन करिकुलम, पूरे नेशन का जो लर्नर है वो एक ही करिकुलम को फॉलो करेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हैं वो सब एक ही टाइप का करिकुलम पढ़ाने वाले हैं। न्यू टेक्स्ट बुक्स आएंगी क्योंकि बिकॉज जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन है वो मदर टंग में देना एसेंशियल होगी और लव टू इंडिया, शुरू से ही बच्चे को जब इस तरीके से एजुकेशन दी जाएगी और उसको ट्रेन किया जाएगा तो ऐसे टीचर्स तैयार करने हैं जो कि अपने कंट्री को प्रायोरिटी देते हों और जो सैलरी इन रुपीस के साथ अफेक्शन रखते हों, सैलरी इन डॉलर्स के साथ नहीं रखते हों। साथ में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर स्कूल है वो है 5+3+3+4। अभी तक जो हमारी एजुकेशन थी वो 10+2 थी, तो एक जो स्टूडेंट है वो 12 इयर्स स्कूल में स्पेंड करता था, लेकिन अब देखा जाए तो वो 15 साल तक स्कूल में रहेगा। और 15 साल का मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा एज तक होगा, अभी जो हमारी एजुकेशन स्टार्ट होती थी वो 5 ईयर के स्टूडेंट से स्टार्ट होती थी, अब जो एजुकेशन स्टार्ट होगी वो 3 ईयर के स्टूडेंट से स्टार्ट होगी। और उसमें जब वो बच्चा उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी वो अपने मन में एजुकेशन को लेके प्रीजुडाइज बना लेता है, क्योंकि जब उसे हिंदी या इंग्लिश समझ नहीं आती वो अपनी मदर टंग में ही सारी घर पे बात करता है तो वो स्कूल जाने से भी बचता है, लेकिन जब उसको मदर टंग में ही अपनी प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी तो उसका एजुकेशन के लिए जो एटीट्यूड है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और आपको हैरानी होगी कि जो हमारे कंट्री में 2 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं एवरी ईयर, तो हमें उन 2 करोड़ स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम में लाना है। और उसका जो एक बहुत बड़ा रीजन था वो यही था कि हमारी मदर टंग का इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी एजुकेशन में नहीं था, और जब तक बच्चा 5-7 साल का होता है वो अपना एक प्रीजुडाइज बना लेता था एजुकेशन को लेके, तो अब जब उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है उसको अगर उसी समय उसकी मदर टंग में बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी तो उसका एटीट्यूड फॉर एजुकेशन जो है वो चेंज होगा एंड उसको मेन स्ट्रीम में लाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन एंड प्ले स्कूल्स, ये लगभग हर विलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ग्राम में होंगे और इनका जो पर्पस होगा वो कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जिसको एजुकेशन ना मिले। अभी तक जैसे आप एक स्लोगन पढ़ते थे कि कोई भी बच्चा पोलियो की ड्रॉप से ना छूटे, ऐसे ही आप देखेंगे कि इसका पर्पस है हर बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाना। तो ये आपको हर लोकेलिटी में आपको अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के सेंटर या प्ले स्कूल्स मिलेंगे। आंगनवाड़ीज जो अभी तक जिनका नंबर 30 लाख है और उनका पर्पस होता था या उनको जाना जाता था ओनली फॉर चाइल्ड टेक केयर होम्स मीन्स कि जो वर्किंग लेडीज है, जो लेबर क्लास है या कहीं और वर्किंग करती हैं, जॉब में है, तो उनके बच्चों को केवल तब तक टेक केयर करना जब तक कि मदर वापस घर पे नहीं आ जाती। तो अब इस सिस्टम को खत्म करके जो चाइल्ड टेक केयर होम्स है इनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा जिसमें एजुकेशन एंड लर्निंग सेंटर में, कि यानी कि मदर काम कर रही है तो बच्चा सिर्फ
बैठा हुआ नहीं है, उसको कोई टेक केयर नहीं कर रहा, साथ में वो एजुकेशन एंड लर्निंग भी ले रहा है। और जो आंगनबाड़ी में काम करते थे एम्प्लॉइज, उनको अभी तक वर्कर्स कहा जाता था, आंगनबाड़ी वर्कर्स, अब उनका नाम चेंज होगा, दे विल ऑल्सो कॉल्ड आंगनबाड़ी टीचर्स। और उनका जो पे स्ट्रक्चर पेमेंट है वो सिमिलर होगा फॉर ऑल, चाहे वो कितनी ही किसी भी जगह की आंगनबाड़ी में काम कर रहा हो, उसका जो पे स्केल है वो सिमिलर होगा, चाहे वो साउथ में हो, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, इट विल बी सिमिलर। सिमिलरली जैसे कि गुजरात में टॉय म्यूजियम बनाया गया, उसमें घरों से बच्चों के जो यूज्ड टॉयज थे उनको कलेक्ट किया गया और लर्न विद फन की एक्टिविटी के ऊपर जोर दिया गया। इस तरीके के टॉय म्यूजियम लगभग हर ग्राम में, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर टाउन में बनाए जाएंगे, सो दैट कि जो छोटे बच्चे हैं जो कि अभी तक एजुकेशन से दूर भागते थे, दे विल लर्न विद फन कि ये कैसे घूमता है, इसको अगर हम राइड करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, इसका हैंडल घुमा देते हैं तो ये कैसे मूव करता है, और अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो कैसे मूव करता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है बच्चे लर्न विद फन में टॉय म्यूजियम में ही सीख जाएंगे। इसी में हम देखते हैं कि कोई भी टीचर, एक टीचर बनने से पहले उसको क्वालिफाई करना होगा एक नेशनल लेवल का टेस्ट, जैसे आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए आजकल नेट का एग्जाम देखते हैं, ठीक वैसे ही स्कूल टीचर के लिए भी एक टेस्ट होगा ऑल इंडिया लेवल पे, जिसको नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट या ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाएगा, और ये पूरी कंट्री के लिए, पूरे नेशन के लिए एक जैसा होगा। हर टीचर को वो एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, ओनली देन ही और शी कैन बिकम अ टीचर। फोर ईयर बीएड प्रोग्राम में ऐसा नहीं कि आप साइंस के टीचर के लिए भी सेम प्रोग्राम रख रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स के लिए भी। ये होगा क्या कि जो साइंस का टीचर या फिजिक्स का टीचर बनना चाहता है उसको फिजिक्स भी उसी समय पढ़नी होगी बीएड के टाइम, और साथ में टीचिंग स्किल्स भी। और अगर आर्ट्स का कोई टीचर है ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहता है तो उसको ह्यूमैनिटीज की नॉलेज भी बीएड कॉलेज में ही मिलेगी, और बीएड कॉलेज में ही उसकी टीचिंग स्किल्स भी सिखाई जाएंगी उसको। सिमिलरली लोकल ट्रांसफर्स होंगे। अभी तक क्या होता है हमारे सिस्टम में, ऐसा माना है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज मोस्ट करप्ट। अगर किसी को कोई परेशान करना चाहता है या एक टीचर दूसरे टीचर से ज्यादा इन्फ्लुएंसिव है तो वो क्या करते हैं, उसके डिस्टेंट ट्रांसफर करा के आ जाते हैं, और उसके मल्टीपल ट्रांसफर होते हैं। पता चला कि एक टीचर ने तो पूरी जॉब एक ही स्टेशन पे कर दी और दूसरे टीचर ने 50 स्टेशन बदल लिए पर अपनी 30 इयर्स की जॉब में। तो इस तरीके से इसमें पहले से ही ऐसा रिटर्न में ये प्रोविजन है कि वहां पे लोकल ट्रांसफर्स होंगे, डिस्टेंट ट्रांसफर्स नहीं होंगे। टीचर्स आर नॉट क्रिमिनल्स, ऐसा नहीं है कि आप उनको कोई पनिश करने वाले हैं, आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं बट यू कांट पनिश देम। और दूसरा 80% जो है विमेन टीचर्स होंगे हर स्कूल के अंदर, तो आप समझ सकते हैं विमेन्स की तो लॉटरी लगने वाली है। और नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं कि किसी का तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं और किसी का 50 ट्रांसफर हो गए, तो ऐसा अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इट विल नॉट बी पॉसिबल। और अकोमोडेशन जो है वो आपको विसिनिटी ऑफ स्कूल में ही दिया जाएगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं है देन यू विल गेट हायर रेट ऑफ HRA। नेक्स्ट, सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड टाइम ऑफ एग्जाम, इट विल डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ लर्नर। लर्नर कौन सा एग्जाम कब देना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहता है, इट विल डिपेंड ऑन द लर्नर्स चॉइस, नॉट टीचर्स चॉइस और कोर्स चॉइस। सिमिलरली बीएड स्टूडेंट जो है उसको, अभी तक बीएड स्टूडेंट केवल कॉलेज में ही पढ़ के आ जाते हैं, और बीएड के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये माना गया है कि ये जो सिर्फ डिग्री बांटने के इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, डिग्री बेचने के इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, तो अब इनके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाएगा जिसको हम आगे वाली कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो बीएड स्टूडेंट्स जो है दे विल स्पेंड 50% टाइम इन एनी स्कूल, उन्हें अपना 50%, अगर फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम है, बीएड को लेके कंफ्यूजन है कि ये सारा फोर ईयर है, नहीं ये फोर ईयर भी है, ये थ्री ईयर भी है, ये टू ईयर भी है, तो वन ईयर का बीएड प्रोग्राम भी है। तो चाहे आप कोई सा भी कोर्स करो लेकिन इसके अंदर आपको 50% टाइम
स्कूल में स्पेंड करना होगा. यू हैव टू लर्न कि विच ट्रिक और विच टेक्निक इज बेस्ट टू टीच स्टूडेंट्स, और आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है टेक्नोलॉजी या ट्रिक्स को एडॉप्ट करना होगा. इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह एक टीचर नहीं होगा कि वो जो पढ़ के आया वो अपनी थ्रू आउट द जॉब केवल उसी को काम चला रहा है, उसी अपने अंदर अपडेशन नहीं कर रहा है. एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह कि बस जब भी आप ऐसे हाथ दोगे तो ट्रैफिक इधर जाएगा और ऐसे हाथ दोगे तो ट्रैफिक रुक जाएगा, ऐसा अब नहीं होने वाला है. अब 50 आवर्स एफडीपी हर टीचर के लिए मैंडेटरी होगा पर एनम, हर साल उसको 50 घंटे का कोई ना कोई कोर्स करना है, चाहे वो ब्लेंडेड मोड में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो. इसके लिए प्लेटफॉर्म्स भी दिए गए हैं, वो स्वयं है, पीएम ई विद्या है, दीक्षा है, एंड देर आर 10-12 प्लेटफॉर्म्स जहां से वो अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा उसको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लेनी होगी. जैसे मैंने बताया, अगर वो सेल बायोलॉजी पढ़ा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि बॉटनी में पढ़ा रहा है तो उसको क्या चेंजेस होंगे प्लांट के लिए, और अगर एनिमल के लिए जूलॉजी में पढ़ा रहा है तो क्या चेंजेस होंगे. तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना होगा. और अभी तक क्या होता था कि डेफ डम स्कूल अलग होते थे स्पेशली चैलेंज बच्चों के लिए, और बीएड के कोर्सेज अलग होते थे, डिग्री कोर्सेज अलग कॉलेजेस में होते थे, कोएड कॉलेजेस अलग होते थे, और ज्यादातर हम सिंगल या मोनो डिसिप्लिनरी कोर्सेज ही पढ़ते थे. लेकिन अब ये माना गया कि जब सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ रह सकते हैं और ये जो डेफ एंड डम है ये हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि डेफ एंड डम के साथ कैसे हमें उनको टैकल करना है, और उनको पता होना चाहिए कि उन्हें हमारे साथ कैसे टैकल करना है. और एक टीचर को सबके बारे में पता होना चाहिए कि उसे किसके साथ कैसे डील करना है. तो अब अलग अलग स्कूल कॉलेजेस नहीं होंगे डेफ एंड डम के लिए, डेफ एंड डम कोएड गर्ल्स बॉयज डिग्री बीएड सारी चीजें एक ही जगह पे मिलने वाली है स्कूल टीचर को, और वो इसमें बहुत सारी चीजें नई सीखेगा. यानी कि अगर वो फिजिक्स पढ़ाना भी बीएड कॉलेज में सीख रहा है तो वो केमिस्ट्री पढ़ाना भी अप टू स्कूल लेवल वो बीएड कॉलेज में ही सीखेगा, और उसको एडमिशन जो है 12th क्लास के बाद ही मिल जाएगा इफ ही और शी वांट्स टू बिकम अ टीचर. अभी तक की स्ट्रेटेजी क्या होती थी कि आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ का गोल ए रखते हो, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, और लास्ट में आपका ये होती है कि अगर हम कुछ भी नहीं बने तो टीचर. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो स्टूडेंट टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें 12th के बाद ही टीचिंग में आना होगा, और उन्हें अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, और साथ साथ टीचिंग स्किल्स भी दी जाएगी ताकि वो स्कूल लेवल में स्टूडेंट्स को कोई भी सब्जेक्ट किस स्किल के साथ पढ़ा सके. इसकी ट्रेनिंग उनको बीएड कॉलेज में ही मिलने वाली है. इसके साथ ही एक फॉर्मेशन किया गया है परख का. परख क्या होगा? एक स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटीज होगी जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, और वो सब मिलके डिसाइड करेंगे सेंटर और ऑल स्टेट बोर्ड्स में क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेंगे. साथ में दे विल प्रिपेयर असेसमेंट प्रोसीजर कि हाउ टू असेस कोर्स और हाउ टू असेस लर्नर्स आउटकम, हम उसको कैसे असेस करें. तो उसके लिए अभी तक का जो मार्क सिस्टम था उसको बिल्कुल हटा दिया गया. अभी तक केवल टीचर ने मार्क्स दिए और स्टूडेंट ने उतने मार्क्स लिए और हम उसको उसी के हिसाब से असेस करते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. उसके असेसमेंट में 4 क्राइटेरिया होंगे. टीचर्स अपने मार्क्स देंगे कि अकॉर्डिंग टू टीचर्स उसके कितने मार्क्स होने चाहिए. सेकंड, जो उसके ऑल क्लासमेट्स है, जिससे कि देखो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन भी बढ़ने वाला है कि आप बाकी के स्टूडेंट्स के लिए उनको कितने मार्क्स देना चाहते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स आपको कितने मार्क्स देते हैं, ये भी उसमें इंक्लूड होंगे. और साथ में आपने सोसाइटी के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट किया या इंडस्ट्री के लिए कोई प्रोजेक्ट किया है तो उनका क्या आउटपुट है, दे विल ऑल्सो गिव यू मार्क्स. और साथ में सेल्फ असेसमेंट, आप अपना असेसमेंट खुद करेंगे कि यस आपने इस कोर्स को कितना लर्न किया, इस प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा, आप अपने आपको कितने मार्क्स देते हैं. तो इस तरीके का होगा हमारा असेसमेंट प्रोसीजर.
और जो जितने भी सिंगल डिसिप्लिनरी कॉलेजेस हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनको मिला के एक क्लस्टर बना दिया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी में। और इसी तरीके से स्कूल्स में भी नो सेपरेट वो कोई कोर्स की ये वोकेशनल है, ये आर्ट है, ह्यूमैनिटी है, कॉमर्स है, साइंस है, नो। सिमिलरली जो ओल्ड एंड न्यू टीचर्स हैं, दे विल रिमेन इन द सिस्टम। धीरे धीरे जो ओल्ड सिस्टम वाले टीचर्स हैं वो बाहर जाते जाएंगे, और जो न्यू टीचर्स हैं जो कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करके आए हैं, उनकी एंट्री 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स 100% तक वही टीचर होंगे। और अगर कोई ओल्ड सिस्टम के टीचर्स बचेंगे भी, तो दे हैव अ बिग कॉम्पिटिशन, बिग चैलेंज कि उन्हें उन नए टीचर्स के साथ, जो न्यूली स्किल्ड वाले टीचर्स हैं, उनके साथ उनको कम्पीट करना होगा, उनको उनके बराबर कंपेरेटिवली उनसे अच्छा वर्क करना होगा। ओनली देन दे विल रिमेन इन द सिस्टम, अदरवाइज देयर विल बी अ बिग चैलेंज फॉर देम। एनसीईआरटी विल डेवलप द करिकुलम फॉर होल नेशन, एंड सिमिलरली एनसीईआरटी विल डेवलप पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अप टू 8 ईयर किड्स। जो 8 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए क्या पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी फ्रेमवर्क बाय एनसीईआरटी ओनली। तो इसमें हम देखेंगे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो पब्लिक स्कूल्स हैं, दे विल टीच सिमिलर सिलेबस, दे विल टीच सिमिलर कंटेंट, एंड द स्टूडेंट ऑफ बोथ स्कूल विल लर्न ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है 26, जिसमें हम क्या देखते हैं कि पहले ऐसा होता था कि एडमिशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता था। आप अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री पढ़िए, और अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग करिए। लोग देखते थे कि आज कंप्यूटर्स का दौर है तो वो कंप्यूटर्स सबने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब इंजीनियरिंग का दौर आया तो सबने इंजीनियरिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उससे पहले सबने बीएससी। इन रेस्पेक्टिव ये देखे कि अब उसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं। अब अगर बीएड का दौर है तो हर इंसान बीएड करता जा रहा है, ये देखे बिना कि अब टीचर्स की वैकेंसी है या नहीं, और टीचर्स की वैकेंसी है तो कौन से फील्ड में है। लेकिन वो अपनी पसंद से और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ते जा रहे हैं। अब आगे ऐसा नहीं होगा, आगे जो आपका एडमिशन है ये बेस्ड होगा आपके डिमांड के ऊपर। अगर 4 साल बाद फिजिक्स के 40 टीचर्स चाहिए तो 4 साल पहले 40 टीचर्स को ही बीएड में एडमिशन मिलेगा, और अगर केमिस्ट्री के 80 चाहिए तो 80 टीचर्स को ही एडमिशन मिलेगा, लैंग्वेज के 90 चाहिए तो 90 टीचर्स को ही एडमिशन मिलेगा। यानी कि 4 साल बाद जो डिमांड आने वाली है उसकी अकॉर्डिंग आज बीएड में उसी सब्जेक्ट में उसी फील्ड में एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम तो बीएड करना चाहते हैं क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो अब हमने बीएड करनी ही है, और बीएड करने के बाद फिर हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि अब हमारे लिए वैकेंसी भी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो एनामोलीज हैं वो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खत्म होने वाली हैं। नाउ कम्स एनईपी फॉर लर्नर्स। एनईपी फॉर लर्नर्स में हम क्या देखते हैं कि ये एजुकेशन 5+3+3+4 कहलाती है, और इसमें जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं उनको हम 3+2 में डिवाइड करते हैं। और यहाँ स्टूडेंट क्लास में या स्कूल में एंट्री 5 साल का होकर नहीं लेता, बल्कि 3 साल का जब होता है तभी वो एंट्री ले लेता है। तो यहाँ जो उसके पहले 5 साल है, 3 से लेकर 8 साल तक के, उसमें जब बच्चा इंग्लिश से डरता है, अदर लैंग्वेजेस से डरता है, तो उसको मदर लैंग्वेज में या जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें ही उसको एजुकेशन मिलेगी। और एजुकेशन मेनली एक्टिविटी बेस्ड, लर्न विद फन बेस्ड होगी, क्रैमिंग पर नहीं होगी। वो अपने छोटे छोटे से गेम्स खेलते हुए, एक्टिविटी करते हुए ही सीखेगा। तो ये जो 3+2 है इसमें फर्स्ट 3 ईयर में बच्चा सिर्फ प्ले करेगा डिफरेंट डिफरेंट वे से, और वो सीखेगा। तो जो आपकी एलकेजी यूकेजी होती थी वो सब यहाँ खत्म हो जाएगी, और जो 2 है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बराबर होगा। तो यहाँ उसके बाद जो +3 है
वो उसका प्रिपरेटरी कहलाएगा 8 से लेके 11 साल तक में, यानी कि उसकी जो थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है और फिफ्थ क्लास है वो इसमें प्रिपरेटरी में पढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 जो है वो मिडिल उसका पीरियड कहलाएगा, जिसमें वो 11 to 14 ईयर्स का होगा और यहीं से उसको वोकेशनल सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट के जो 4 ईयर हैं जिसको हम सेकेंडरी बोलेंगे वो उसका 14 से लेके 18 तक का होगा। तो अभी जो माना जाता था वो 5 साल का लर्नर स्कूल में एंट्री लेता था और 10+2 यानी कि 12 ईयर्स तक पढ़ता था, तो ऑलमोस्ट वो 17 ईयर्स का होता था तो स्कूल से बाहर आ जाता था। लेकिन अब यहाँ केवल 1 साल फालतू देना है और उसे पढ़ने को मिल रहा है 4+3+3+5 यानी कि 15 ईयर्स तक पढ़ेगा। पहले वो 12 ईयर्स तक पढ़ता था लेकिन अब वो 15 ईयर्स तक पढ़ने वाला है। दूसरा, उसको सेम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा जो एनसीईआरटी डिजाइन करेगी, चाहे वो केरला का स्टूडेंट है, चाहे वो J&K का है, चाहे वेस्ट बंगाल का है या नॉर्थ ईस्ट का है या फिर वो राजस्थान का है, उसको सेम सिलेबस पढ़ना होगा। और दूसरा, ECCE में वो अप टू 8 ईयर तक जो भी एनसीईआरटी पेडागोजिकल मेथड्स तैयार करेगा उसको वही पढ़ना पड़ेगा और ये केवल 8 साल तक के लिए बच्चों के लिए होगा। नेशनल एजुकेशन टीचर फोरम बनेगा, टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा, जो कि इस न्यू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में, असेसमेंट करने में, रिव्यू करने में हेल्प करेगा। परख, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये एक बॉडी होगी जिसमें सारे प्रोफेशनल्स होंगे एंड दे विल डू असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर, और ये नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट का भी असेसमेंट करेंगे कि जो नॉलेज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वो स्टूडेंट को मिली उतनी नॉलेज। और साथ में ये एक स्टैंडर्ड बॉडी होगी जो कि पूरे नेशन में एक साथ काम करेगी, सारे बोर्ड्स को कोऑर्डिनेट करके रखेगी। और यहाँ पे लर्नर के लिए नो रिजिड सेपरेशन कि ये ह्यूमैनिटीज का है, ये कॉमर्स का है, ये वोकेशनल है, ऐसा कुछ भी सेपरेशन नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी क्लब्ड और हर स्टूडेंट के पास चॉइस होगी मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में अपना एजुकेशन खत्म करने की। और वोकेशनल जो है उसकी और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग उसके 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है, दुनिया भर के जो कंप्यूटर के लैंग्वेजेस हैं उनके बिगिनिंग उसको 6th क्लास से ही हो जाएगी। और यहाँ लर्नर का असेसमेंट 4 मेथड्स पे होगा, 4 टाइप से होगा, जिसमें हमने कहा था कि न्यू टीचिंग असेसमेंट मेथड्स होंगे, तो उसमें फर्स्ट जो टीचर ने मार्क्स दिए, सेकंड जो उसके अपने क्लासमेट्स ने उसको मार्क्स दिए, तीसरा जो उसको सोसाइटी से या इंडस्ट्री से मिले, और चौथा वो सेल्फ असेस करता है। तो जो नए टीचर्स होंगे उनका जो असेसमेंट मेथड होगा वो भी अलग होगा और उन टीचर्स का भी अपना असेसमेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जाएगा। और ओल्ड और न्यू टीचर्स बोथ विल रिमेन इन द सिस्टम अप टू 2030 और 2030 के बाद ओनली न्यू टीचर्स विल बी देयर, और जो ओल्ड टीचर्स हैं उनके लिए एक चैलेंज होगा अपने आप को मेंटेन करके रखना क्योंकि तब तक पूरा सिस्टम बदल चुका होगा। और जब स्टूडेंट आउट आएगा, स्कूल से बाहर आएगा, एटलीस्ट ही विल बी ट्रेंड इन 1 or 2 स्किल, मतलब उसको एक स्किल में तो ट्रेंड होना ही पड़ेगा, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो चाहे वो हार्ड स्किल्स हो। और पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में सब में एक जैसा करिकुलम होगा, एक जैसी ट्रेनिंग होगी और यहाँ तक की प्रोविजन है कि उनके फीस स्ट्रक्चर भी एक जैसा ही रहने वाला है। अप टू 2030 न्यू टीचर्स विल रिमेन एंड जो पुराने टीचर्स हैं वो सिस्टम से धीरे धीरे आउट हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, सैलरी ऑफ द टीचर्स, अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये सब इम्प्रूव होंगी पहले से। और नो पैरा टीचर्स विल रिमेन इन द सिस्टम। बीएड जो है आपके पास 1 ईयर सिस्टम वाला भी होगा, 2 ईयर वाला भी होगा, 4 ईयर वाला भी होगा, डिपेंड करता है कि आप 12th के बाद एंट्री ले रहे हैं, बी की डिग्री के बाद ले रहे हैं या बीएच या बीआर के बाद ले रहे हैं। तो आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे कि कितने टाइप की डिग्री आपको मिलने वाली है। नो इलेक्शन ड्यूटीज, नो अदर ड्यूटीज फॉर टीचर्स, टीचर्स की कोई और टीचिंग के अलावा ड्यूटीज नहीं लगेंगी। नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ट्रांसफर, ये रिटर्न में है,
कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा ट्रांसफर्स में, तो ये गवर्नमेंट ने क्योंकि एक्सेप्ट किया कि अभी तक इंटरव्यूज में ट्रांसफर्स में बहुत ज्यादा करप्शन होता है, तो उन्होंने इस करप्शन को दूर करने के लिए रिटर्न में लिख दिया कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। इसके साथ ही लर्नर को मिलेंगे ऐसे टीचर्स जिनका रिव्यू होगा उनकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ का, यानी कि वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर रिव्यू होगा। देन टीचर विल गो अहेड, यानी कि उसका आगे प्रमोशन होगा। और ऐसे टीचर्स के लिए 50 आवर्स पर एनम उनको एफडीपी करना कंपलसरी होंगे, ताकि उनकी स्किल्स जो है वो एनहांस्ड होती रहे, अपडेटेड होती रहे। रिव्यू आफ्टर 10 ईयर, उस टीचर का, हर टीचर का 10 ईयर्स के बाद रिव्यू होगा। अगर वो बेटर पाया जाता है तो ही वो आगे जाएगा, अदरवाइज उसकी सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आप टीचर बन गए तो होल लाइफ के लिए आप टीचर बन गए, ऐसा अब इस सिस्टम में नहीं होगा। पेडागॉजिकल टीचिंग स्किल्स विल मैटर, कि टीचर के अंदर कौन सी पेडागॉजिकल टीचिंग स्किल्स हैं, उसी के बेसिस पे उसका रिव्यू होगा। और करप्शन इन इंटरव्यू, करप्शन इन ट्रांसफर्स को टोटली बैन कर दिया जाएगा, तो टीचर्स जो हैं वो एक ही जगह पर स्टेबल रहेंगे और उसका बेनिफिट डायरेक्ट लर्नर्स को मिलने वाला है। कि अगर उनको उस टीचर से अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मिड सेशन में या नेक्स्ट सेशन में वो टीचर चला जाए, वो टीचर उनको आगे भी कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, जिससे कि लर्नर्स विल गेट ट्रेनिंग इन ए बेटर वे, लर्नर्स विल गेट नॉलेज इन ए बेटर वे। नाउ वी सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर हायर एजुकेशन एंड टीचर्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक कंटिन्यूअस एनालिसिस की जरूरत है, कि हमें किस टाइप के कितने टीचर्स चाहिए, उनकी कौन कौन सी स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से कोर्सेज आज की तारीख में वैल्यू रखते हैं। तो उसके अलावा इसमें हायर एजुकेशन में जो वेटेज दिया गया है वो एलुमिनाई एसोसिएशन को दिया गया है। इसमें एक ये भी प्रोविजन है कि अगर यूनिवर्सिटी में वीसी को भी, जो अभी तक गवर्नर डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द वाइस चांसलर ऑफ सच एंड सच यूनिवर्सिटी, नाउ एलुमिनाई विल बी देयर इन द बोर्ड ऑफ सिलेक्शन। जो सिलेक्शन बोर्ड होगा उसमें एलुमिनाई एसोसिएशन से भी एक कैंडिडेट होगा, जो कि ये बताएगा कि यूनिवर्सिटी का कौन नेक्स्ट वाइस चांसलर होना चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस जो है हायर एजुकेशन में, वो हिंदी में पढ़ना चाहता है लर्नर, इंग्लिश में पढ़ना चाहता है या मदर टंग में पढ़ना चाहता है, रीजनल लैंग्वेज में, तो वो स्टूडेंट की चॉइस होगी और टीचर को उसमें उसको पढ़ाना होगा। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर किसी एक स्टेट में या एक इंस्टीट्यूशन में कोई एक कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है और दूसरे इंस्टीट्यूशन में नहीं चल रहा, तो वहां के जो टीचर्स हैं वो यहाँ के टीचर्स से अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, अपने फेलियर्स को शेयर कर सकते हैं, यहाँ के टीचर्स अपने सक्सेस को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। तो रिसोर्सेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों क्या होंगी, इसमें शेयर बेसिस पे होंगी। और साथ में सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी जो है कोर्स की, वो भी आपस में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो शेयर करेंगे। और इसमें एमफिल को बिल्कुल ही हटा दिया गया है, अब नए एजुकेशन सिस्टम में एमफिल ना तो कोई करेगा और ना ही उसका कोई स्कोप होगा, ना उसकी कोई वेटेज होगी। जो हमारी अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स होती थी वो अब डिसॉल्व हो गई है, उसकी जगह अब हमारा बन गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। और हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर रमेश पोखरियाल फ्रॉम उत्तराखंड। और इसमें जो 6% ऑफ जीडीपी है स्टेट का या आप कहिए सेंटर का, ये पूरा की पूरा खर्च होने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सिस्टम को डेवलप करने में। और अभी तक जो है 2-3% जीडीपी ही खर्च होता था, अब आप समझ सकते हैं कि पूरे जीडीपी का 6% जो है वो इसमें खर्च होने वाला है। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और वो सब क्या होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कोडिंग के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, और साथ में इन्वेंशंस के ऊपर अपना एम्फेसिस रखेंगे, ताकि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशंस हों, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग हो, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जो साइंटिस्ट हैं वो बने, ज्यादा से ज्यादा कोडिंग डेवलपर्स बने, तो
इसी तरह से हमारी जो कंट्री है वो आगे चल पाएगी और मीट करेगी 21st सेंचुरी के जो हमारी डिमांड है उनसे। यहाँ टीचर को 4 E's के ऊपर इम्फेसिस देना होगा कि टीचर विल टीच द लर्नर विद 4 E's। फर्स्ट ई फॉर एनर्जाइजिंग, ही हैज टू एनर्जाइज ऑल स्टूडेंट्स की आपने अपनी प्रोजेक्ट करना है, एक्टिविटी करनी है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसको एंगेज रखना है एक्टिविटी के अंदर, एंगेजिंग देम एंड एंटरटेनिंग। ऑफ कोर्स उस जो एक्टिविटी अगर एंटरटेनिंग नहीं है तो लर्नर विल नॉट पार्टिसिपेट फुली इन द एक्टिविटी। और एम्पावरिंग, और अगर उस एक्टिविटी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी रिसोर्सेस से, अपनी नॉलेज से, अपनी ट्रेनिंग से, अपनी स्किल से एम्पावर करना है अपने स्टूडेंट को, सो दैट कि स्टूडेंट जो है उस एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि NEP टीचर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, स्कूल्स के लिए कैसे, स्कूल लर्नर के लिए कैसे कैसे वो चेंज हो रही है। अब आगे के हम वीडियो में देखेंगे कि क्रेडिट सिस्टम क्या है, कौन से कोर्स के कितने क्रेडिट हैं, और क्रेडिट का हम बैंक कैसे तैयार करेंगे, किस कोर्स के लिए टोटल पास होने के लिए कितने क्रेडिट उसको लेने हैं, प्रोजेक्ट के कितने क्रेडिट है, ये सारी चीजें। और उसके भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। तो इन सब के ऊपर हम एक एक करके 2 वीडियो और बनाएंगे और दोनों में हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।